बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो देखिए आयुष भाई जम्मू से चल के आ रहे हैं, लेह लद्दाख संगम पॉइंट पे पहुंचा है, आगे भी चले जाएंगे। कहाँ तक का है आपका सफर? आज तो गुरुद्वारे तक जाना है, पास में ही है। अच्छा, गुरुद्वारा तक पूरी पैदल? नहीं नहीं, बीच में लिफ्ट मिले। में अगर लिफ्ट मिले तो ठीक, अगर लिफ्ट नहीं मिले तो भी पैदल। बाकी खाना वाना रेस्टोरेंट, बाकी रहना रहना स्थलों में गुरुद्वारे मंदिर। बहुत अच्छा, इसका कैसे आया आपके मन में ऐसा विचार? बस अपनी संस्कृति जानने के लिए निकला हूँ। बहुत अच्छा अच्छा। और आप स्टडी में कहाँ तक क्या की? मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग खत्म किए अभी 2 महीने पहले। अच्छा, इंजीनियरिंग कम्प्लीट की। आप जम्मू से हो? हाँ जम्मू से। हमसाया लद्दाख और जम्मू कौन सा दूर है, पास ही में? तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई जम्मू से। मैंने सोचा सारे मना पैदल जो बाइसाइकिल पे तो बहुत सारे मिलते हैं रास्ते में, जैसे सोचला या रास्ते ले और कारगिल के बीच में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो साइकिल पे चलते हैं। लेकिन आज मेरे लाइफ में मैंने अपने हिसाब से फर्स्ट टाइम देखा अदरीश भाई को, चनक भाई फर्स्ट टाइम पैदल चल रहे हैं, वो भी जम्मू से। इन्होंने जम्मू के है, इन्होंने जम्मू से शुरू किया तो ये लेह लद्दाख अभी संगम पॉइंट पे पहुँचे। बाकी सफ़र में आपको लेह लद्दाख तक कैसा लगा, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, लोग अच्छे हैं, जगह अच्छी है, और लोगों ने जो स्टीरियोटाइप बनाया ये ऐसे हैं वो वैसे लोग, वैसा कुछ नहीं। खुद खुद आकर देखो, उनको जान जाओ कितने खूबसूरत लोग रहते हैं, कैसे बात करते हैं। वो तो आप देखिए ना, इतने ब्यूटीफुल माउंटेन, डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप, इतने ब्लू स्काई, ताज़ा हवा, वो नेचुरल एसी। बाकी आप कारगिल हो क्या है, कारगिल में कितना मज़ा आया? 3 दिन रहा था इंडिपेंडेंस डे, बाकी बहुत सारा मज़ा आया। बुला इटली वाइब अलग थी, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मुस्लिम वाली जगह हूँ, आपका आगे का यहाँ से लेह से फिर यहाँ से मनाली से कन्याकुमारी तक का भी सफर बहुत अच्छा रहे, हमारे साथ की दुआएं है और क्या दे सकते हैं। बाकी आप बेझिझक होके जाइए, कोई ये नहीं होता कि धर्म सिर्फ घर में है, अपने घर में जो बाकी बाहर निकाला तो दिया है। चलो अच्छा, नाम बोल रहे क्या?